गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग बात करेंगे बीएससी पार्ट थर्ड के कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के नेक्स्ट लेक्चर के बारे में। तो आप लोग देखिए अब कहाँ तक हम लोगों ने पढ़ा था, मिलन टॉम्पसन से पहले कुछ सवाल थे अपने, तो वो हम लोग कर लें। 3.10.8 के सवाल कर लिए, 3.10.8 एग्जाम्पल नंबर 3.10.8 कर लिया आपने। देखिए एक बार आप लोग क्या नहीं किया, 10.7 आई थिंक दैट सात भी करवा दिया, शायद छः भी करवा दिया। ओके नो, चलिए एग्जाम्पल नंबर बात करते हैं बेटा 3.10.9 के बारे में। हमें एफ जेड दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर वाई की पावर 5 एक्स प्लस आयोटा वाई एक्स की पावर 4 वाई की पावर 10 दिया है। एफ 0 = 0 दिया है, मूल बिंदु पर विश्लेषिक नहीं है, जबकि इस बिंदु पर कोसी रीमान समीकरण को संतुष्ट करता है। क्या नहीं है बेटा, मूल बिंदु पर विश्लेषिक नहीं है लेकिन क्या करता है, कोसी रीमान समीकरण को संतुष्ट कर दे। चलिए तो हम लोग बात करें, ध्यान से देखना बेटा सवाल को, समझना। कोसी रीमान समीकरण के लिए तो आप लोग जानते हो किस तरीके से करते हैं अपन, देखिए सबसे पहले हम लोग u और v में इसको बांट लें। एफ जेड इक्वल्स टू एक्स क्यूब वाई की पावर 5 एक्स की पावर 4 वाई की पावर 10 आयोटा एक्स स्क्वायर वाई की पावर 6 एक्स की पावर 4 वाई की पावर 10 राइट। यू एक्स वाई इक्वल्स टू एक्स क्यूब वाई की पावर 5 एक्स की पावर 4 वाई की पावर 10। देखिए एक्स स्क्वायर वाई की पावर 6 एक्स की पावर 4 वाई की पावर 10 ठीक है बेटा। अब सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा, सी आर इक्वेशन को अपन सेटिस्फाई करवा सकते हैं। मैंने आपको बताया बेटा किसके ऊपर बात कर रहा है, मूल बिंदु पर, किस पर कर रहा है मूल बिंदु। तो मूल बिंदु पर क्या करना पड़ेगा हमें, मैंने आपको बताया था किस तरीके से हम लोग सेटिस्फाई करवाएंगे, डेल यू बाई डेल एक्स इक्वल्स टू लिमिट एक्स टेंस टू 0 यू एक्स 0 माइनस यू 0 0। ये आपको बुक में नहीं मिलेगा, यहाँ पे आप देख लीजिए चाहे नहीं मिलेगा इस तरीके से, लेकिन मैंने आपको ये सवाल में पहले करवा दिया ठीक है। तो यू की बात करें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अपन जैसे यू की इस तरीके से बात करेंगे तो 0/0 रूप आएगा इसका एक्चुअल में, तो क्या आएगा 0/0 या फिर आप लोग डेल यू बाई डेल एक्स भी लिख सकते हो डायरेक्ट में, क्या लिख सकते हो, अरे डेल यू बाई डेल एक्स कर सकते हो इसका, कैसे यू बटे वी वाले फॉर्मूले कर सकते हो नो डाउट ठीक है। तो आप लोग उस तरीके से कर सकते हो, तो आप जब करोगे ना तो मैं इसको वो कर देता हूँ क्या स्किप कि सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई कर सकते हो। तो कौन से, तो कितने तरीके हो गए, दो तरीके, एक तो आप लोग डेल यू बाई डेल एक्स, फिर क्या निकालोगे अगर वी के लिए निकालोगे तो डेल वी बाई डेल एक्स, एक्स के लिए निकालोगे तो ऐसे निकालोगे बेटा वी एक्स 0 माइनस वी 0 0 और एक्स माइनस 0 ऐसे ही वाई के सापेक्ष, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा वाई। इस प्रकार क्या करेगा ये
सीआर इक्वेशन को तो सेटिस्फाई करें। अब हम लोग बात करते हैं, अगर ये विश्लेषिक होगा तो इसका मतलब इसका अवकलज होगा वो क्या होगा, अद्वितीय होगा, होना चाहिए। अगर नहीं होगा, किसी के ऊपर डिपेंड है, तो हम लोग क्या कहेंगे कि ये विश्लेषिक फलन नहीं है, क्योंकि इसका अवकलज अद्वितीय नहीं है। ठीक है बेटा, समझ में आ रहा है? देख लीजिए, इसको यहाँ ना रखें, इसको इधर रखा करें। क्या होगा बेटा F0, क्या होगा बताइए? बिल्कुल आएगी, क्यों नहीं आएगी? आप लोग भूल जाते हो, इसका मतलब आप प्रैक्टिस अच्छी नहीं करते। याद था मगर भूल गए, यही तो मैं कह रहा हूँ। ये 0 हो गया, जेड सॉरी बटे में ये वाला तो लिखा नहीं है अपन ने। लिमिट जेड टेंस टू 0 एक्स प्लस आयोटा वाई, बोलो वाई बराबर क्या लिख सकते हो बेटा? एमएक्स लिख दें। चलिए आप कहते हो तो लिख देते हैं, और आप मना करते ना तो भी लिखते। एम की पावर 5 एक्स की पावर 5 एक्स एम एक्स सॉरी दोनों एक साथ लिख देता हूँ ना, क्या हो गया एम की पावर 10 एक्स की पावर 10 एक्स प्लस आयोटा एम एक्स। ठीक है, तो आई थिंक दैट मैं इसको कैंसिल आउट ही कर दूँ। बोलो एक्स की पावर कितनी? 4 एक्स की पावर 7 हो गई है। ठीक है, कितना कॉमन आया इधर से? 1 प्लस एम की पावर 10 और एक्स की पावर 6, ये कितना बचा? 3। यहाँ तक नोट कीजिए एक बार, यहाँ तक नोट कीजिए एक बार, जल्दी कीजिए। हाँ तो बेटा हम लोग बात करते हैं, ये सवाल आपको समझ में आया होगा। अब देखिए बेटा, पर संवादी संयुग्मी ज्ञात करने की मिलने टॉमसन विधि, यस, या आप मिलने टॉमसन डायरेक्ट लिख लो, क्या लिख लो? मिलने टॉमसन मेथड। ये मिलने टॉमसन नाम है किसी का, इसका मीनिंग मत पूछ लेना आप, है ना? क्या है नाम? मेथड कि एक एफ जेड को हम लोग किस प्रकार बना सकते हैं, ये एक उसका मेथड है। इसमें हम लोग डायरेक्ट क्या निकाल सकते हैं? एफ जेड याद कर सकते हैं, और एफ जेड बराबर क्या होता है? यू प्लस आयोटा वी, और अपना उद्देश्य भी क्या होता है? एफ जेड याद करना ही होता है। ठीक है, पिछले वाले मेथड कहाँ समाकलन में फेल होता है, इसलिए ही तो फिर कौन से मेथड आया? मिल टॉमसन मेथड, क्योंकि इतने बड़े समाकलन आ जाए, हो सकता है आप कर नहीं पाओ, दिमाग में इतना नहीं आए, और फिर ऐसे समाकलन भी आ जाते हैं जो हो ही नहीं पाते कई बार। ठीक है, तो आप लोग ध्यान से समझें। अब हम लोग बात करते हैं मिलने टॉमसन विधि की। देखिए बेटा, जब एक संयुग्मी फलन दिया हो
तब विश्लेषिक फलन एफ जेड का निर्माण करना। टू कंस्ट्रक्ट एन एनालिटिक फंक्शन एफ जेड व्हेन वन कॉन्जुगेट फंक्शन इज गिवन। कोई भी, चाहे यू दिया हो चाहे वी, हाँ मतलब चाहे तो यू दिया हो चाहे वी, तो फिर उससे हम लोग क्या बना सकते हैं, एफ जेड को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। क्या है, तब विश्लेषिक फलन एफ जेड का निर्माण करना। टू कंस्ट्रक्ट एट एन एनालिटिक फंक्शन एफ जेड व्हेन गिवन ए कॉन्जुगेट, है ना, कॉन्जुगेट कौन सा दिया जा सकता है, या तो यू या फिर वी। चलिए अब मैं आपको सीधा समझाता हूँ, ध्यान से समझे बेटा, ठीक है, क्योंकि जब तक आपका ध्यान नहीं रहेगा तब तक कुछ नहीं हो सकता। नोट भी कर लें आप लोग, साथ के साथ समझा देता हूँ मैं। मिल्ने टॉम्सन विधि, देखिए बेटा, सबसे पहले देखिए z बराबर क्या होता है, x प्लस आयोटा y, z बार बराबर क्या होता है, x माइनस आयोटा y। मैं आपको डिटेल से बताता हूँ, ध्यान से समझे आप लोग। देखिए बेटा, अगर मैं z और z बार को जोड़ूँ कितना आया, 2x, ठीक है, x इक्वल्स टू जेड प्लस जेड बार बाई टू। अगर माइनस करूं तो बताइए, टू आयोटा वाई, यानी वाई इक्वल्स टू कितना आ गया, टू आयोटा। कितना आपको समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ये वायर थोड़ा ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं बेटा मिल्ने टॉम्सन में, तो सबसे पहले एफ डैश जेड की बात करते हैं अपन, किसकी बात करें, एफ डैश जेड की। तो एफ डैश जेड मैंने आपको क्या बताया था बेटा, डेल यू बाई डेल एक्स प्लस आयोटा डेल वी बाई डेल एक्स, ऐसा ही कुछ बताया था। अब चूंकि फलन ऑलरेडी क्या है, विश्लेषिक है, तो कौन सी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, सी आर इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो हमें दिया भी क्या होता है, जैसे मान लो हम लोग कौन कब याद कर रहे हैं बेटा, ये जब हमें क्या दिया हो, u, ध्यान से देखना मैं लिख देता हूँ ना, जब क्या दिया हो, जब u दिया हो तब एफ जेड का निर्माण, है ना, इतना लिख देता हूँ मैं, ठीक है। तो इसको भी किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, U में। तो हम लोग जानते हैं डेल यू वाई डेल वाई बराबर कितना होता है बेटा, ऐसा होता है डेल यू वाई डेल एक्स माइनस आयोटा डेल यू वाई डेल वाई। अब आप देखो U में कन्वर्ट हो गया क्या, बोलो, ठीक है, एनी डाउट। अब हम लोग लेट कर लेते हैं इसको, क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, जो आपकी किताब में माना वही मान लो, वैसे आप अपनी मर्जी से भी मान सकते हो। डेल यू बाई डेल एक्स को तो माना है फाई, और डेल यू बाई डेल वाई को माना हुआ है साई, क्या माना है, हाँ, लेट डेल यू बाई डेल एक्स बराबर क्या माना हुआ है, फाई एक्स वाई, और डेल यू बाई डेल वाई बराबर माना हुआ है साई एक्स वाई। एनी डाउट, तो एफ डैस जेड इक्वल्स टू कितना हुआ बेटा, फाई एक्स वाई माइनस आयोटा साई एक्स वाई। बोलो यहाँ तक कोई समस्या, नोट कीजिए, मैं उसका पॉज कर देता हूँ। देखिए बेटा आगे, अगर मैं, ध्यान से देखना, जेड बार बराबर क्या कर दूँ, जेड बार, जेड बराबर जेड बार, तो ये कब पॉसिबल है, जब एक्स प्लस आयोटा वाई बराबर क्या हो जाए, एक्स माइनस आयोटा वाई, कब होगा, जब एक्स टू एक्स के बराबर होगा तो वाई क्या होगा, जीरो,
तभी पॉसिबल है बेटा, ठीक है, नो डाउट। इसका मतलब x बराबर तो z और y बराबर 0, यहाँ रख दो, तुम्हें कोई समस्या तो नहीं है, है क्या बेटा? नहीं है तो फाई जेड जीरो आयोटा साई जेड जीरो। अब अवकलन का निशान कब उठेगा? जब क्या करेंगे? समाकलन। तो एफ जेड बराबर कितना आ गया बेटा? फाई जेड जीरो माइनस आयोटा साई जेड जीरो, ये आ गया मिलन टॉमसन का फॉर्मूला। डायरेक्ट किसका निर्माण हो गया? अब कैसे सवाल को करेंगे ये इम्पोर्टेंट है, ध्यान से समझिए आप। अब हमें तो यू दिया होगा डायरेक्ट, क्या दिया होगा? यू। अब आज इस क्लास में फिर वीडियो साफ नहीं दिखाई देगा, ये फोकस आ रहा है इस पर। देखिए अब आपको कैसे पता लगेगा कि हमें फाई का मतलब क्या है? पता होना चाहिए, डेल यू बाई डेल एक्स। साई का क्या मतलब होता है? डेल यू बाई डेल वाई। तो हमें यू तो दिया होगा, तो हम सबसे पहले क्या निकालेंगे? फाई और साई यहाँ रख देंगे, और x की जगह तो z रख देंगे, जहाँ जहाँ उसमें x है, और y की जगह क्या रख देंगे? जीरो। और डायरेक्ट इंटीग्रेशन करेंगे, तो आपको नहीं जो इतना बड़ा पहले पढ़ा था ना, वो पढ़ने की ज़रूरत नहीं, डायरेक्ट क्या हो जाएगा? fz का निर्माण हो जाएगा। हाँ, समझ में आई बात? कोई डाउट? अब ऐसे हम लोग किसके लिए देखेंगे बेटा? v के लिए। तो v के लिए जैसे यहाँ पे अपन ने फाई और साई माना है, तो उसके लिए क्या मान लेंगे? कुछ और मान लेंगे, ठीक है? कोई डाउट तो नहीं है? श्योर है? पक्का? चलिए एक बार मैं इसको मिटा देता हूँ, और किसके लिए करा देता हूँ आपको? वी के लिए भी बता देता हूँ। ये तो मिटा दो इधर से, या फिर आप भी ट्राई कर सकते हो उसको। करोगे ट्राई? चलिए फिर आप ट्राई कीजिए उसको, है ना? आज के लिए इतना ही, है ना? वीडियो को देख लेना आपके हिसाब से जो करना है।